स्टूडेंट्स, ये आपकी बीए थर्ड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। और ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, ये एमए प्रीवियस का भी पेपर है। तो बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस आप दोनों के लिए क्लासेस हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अरस्तु की रचनाएं, यानी कि वर्क्स ऑफ अरिस्टोटल के बारे में। जो हमारा पिछला चैप्टर था उसमें हम पढ़ चुके हैं अरस्तु के सामान्य परिचय के बारे में, एक संक्षिप्त सा परिचय हमने प्राप्त किया। और यहाँ हम पढ़ेंगे अरस्तु की रचनाओं के बारे में। तो देखिए, ऐसा है कि अरस्तु ने अलग अलग विषयों का बहुत गहराई से अध्ययन किया, ना सिर्फ राजनीति शास्त्र का, बल्कि फिजिक्स है, बायोलॉजी है, तर्कशास्त्र है, नीति शास्त्र है, नेचुरल हिस्ट्री, इन सब का उसने बहुत गहराई से अध्ययन किया और इस पे उन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखे। तो ये कुछ अरस्तु की रचनाएं हैं, और आपको हर एक थिंकर की कम से कम तीन रचनाओं के नाम याद जरूर रखने हैं। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा जो आप टू द पॉइंट आंसर दे करके मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अरस्तु की रचनाओं के बारे में है पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रोटिपिकस, पॉइटिक्स, रेटोरिक, हिस्ट्रीज ऑफ एनिमल्स, फिजिक्स, डी एनिमा। आगे हम बात करते हैं अरस्तु की अध्ययन पद्धति के बारे में। तो देखिए, अरस्तु ने जो अध्ययन पद्धति प्रयोग में ली है वो है आगमनात्मक अध्ययन पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इंडक्टिव मेथड। और जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्लेटो ने अध्ययन पद्धति काम में ली थी वो थी निगमनात्मक अध्ययन पद्धति, यानी कि डिडक्टिव मेथड। तो जो डिडक्टिव मेथड होता है वो बढ़ता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ, और इंडक्टिव मेथड इसका अपोजिट है, जो कि बढ़ता है विशेष से सामान्य की तरफ। ठीक है, तो प्लेटो ने जो अपनी पद्धति काम में ली थी तो उसमें प्लेटो को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। एक कमरे में लोगों से संवाद किया, इस प्रोसेस में उसने अपना एक दर्शन डेवलप किया था, एक तर्क डेवलप किया था। इसके बाद निष्कर्ष निकाला था कि हाँ, आदर्श राज्य किस प्रकार का होना चाहिए। जैसे वो सुशासन संबंधी बातों पर विचार करता है प्लेटो, तो कि सुशासन जो है, गुड गवर्नेंस जो है, या अच्छा शासन जो है, वो उसके लिए उसने कुछ सिद्धांतों को आधार रूप में स्वीकार किया। और फिर उसके बाद में प्लेटो ने क्या किया कि कुछ निष्कर्ष निकाले कि, और उस आधार पर उसने अपना जो पुस्तक थी रिपब्लिक, उसमें आदर्श राज्य का चित्रण किया कि जो आदर्श राज्य है वो उसमें इस प्रकार का होना चाहिए, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो बढ़ा था जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की तरफ, लेकिन जो अरस्तु है वो बढ़ता है विशिष्ट से सामान्य की तरफ। अब ये जो इंडक्टिव मेथड है, इसमें देखिए ऐसा होता है कि एक एक वस्तु का बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है, गहराई से अध्ययन करना पड़ता है, एक एक बात को समझने का प्रयास करते हैं इसमें हम। ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे बैठ के हम निष्कर्ष निकाल लें, इसमें फील्ड में जाना पड़ता है, समस्या से रूबरू होना पड़ता है, जूझना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, एक एक चीज़ को हमें धरातल पे पहुंच करके, जान करके, अनुभव प्राप्त करके निष्कर्ष निकाला जाता है। तो उसे अनुभवात्मक या एम्पेरिकल अप्रोच कहा जाता है। तो अब आप कहेंगे कि ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ कैसे बढ़ी है। तो देखिए, अरस्तु ने क्या किया, 158 देश जो थे उनके संविधानों का अध्ययन किया, 158, 158। तो ये क्या हो गई, एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई, एक देश, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से उसने 158 जो राज्य थे उनके संविधानों का अध्ययन किया। तो ये स्पेसिफिक बात हुई, विशिष्ट बात हुई। और फिर इसको जनरलाइज किया कैसे, कि एक एक संविधान का अध्ययन करके लास्ट में एक निष्कर्ष निकाला कि जितने भी संविधान हैं उनको हम क्या करते हैं, तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। इसके अलावा तुलनात्मक अध्ययन पद्धति है, ऐतिहासिक विधि है, ये सब भी अरस्तु के द्वारा उपयोग में लाई गई थी। आगे हम बात करते हैं अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों के बारे में। तो देखिए, यहाँ जो है कि
अभी हमने चर्चा की कि अरस्तु की रचनाओं के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि अरस्तु की जो एक क्रिएशन है, एक रचना है, वो है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स का जो प्रथम भाग है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें अरस्तु ने राज्य के स्वरूप के बारे में, राज्य की उत्पत्ति के बारे में, राज्य के उद्देश्य पर उसने विचार किया है। और अब उसने बोला है कि राज्य जो है वो आवश्यक भी है और स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक मतलब नेचुरल। अब किस प्रकार से, तो अरस्तु ने कहा है कि अकेला जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, अपूर्ण होता है। ठीक है, मनुष्य को अगर अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है, अपना जीवन का एक फ्लो बनाए रखना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी से जुड़ना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, तालमेल बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ वो कहता है कि स्त्री और पुरुष का संयोग हुआ, उससे परिवार बना, फैमिली बनी। तो वहाँ पे उसने अपनी सेवा के लिए कुछ दास भी रखे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक पुरुष है, स्त्री है, दास है, तो इनसे अरस्तु कहता है कि एक परिवार बन जाता है। तो ये परिवार से क्या होता है, व्यक्ति की दैनिक आवश्यकताएं जो होती हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। फिर परिवार जो है वो बढ़ता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि दैनिक आवश्यकताओं के साथ साथ में अन्य आवश्यकताएं भी ज़रूरी होती हैं, तो उनके लिए कई जो परिवार होते हैं आपस में जुड़ते हैं, तो एक तरीके से ग्राम बन जाता है, ग्राम अस्तित्व में आता है। फिर अनेक गांव के संयोग से नगर या राज्य भी कह सकते हैं हम, उसका निर्माण होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो किस लिए शुरू की जाती है, ताकि जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, सामान्य आवश्यकताएं हैं, वो पूरी हो सके। तो जो सामाजिक जीवन है उसकी हमने स्टार्टिंग की बात की, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, घर परिवार से, उसके बाद में ग्राम आ रहा है, उसके बाद में राज्य आ रहा है। तो ये सब क्या थे, स्वाभाविक थे, घर परिवार ग्राम ये स्वाभाविक थे। तो इन्हीं से आगे बना है राज्य, तो ये भी क्या है, स्वाभाविक है। अब राज्य जो है, हमने अभी डिस्कशन किया कि व्यक्ति क्या होता है, अपने आप में अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो राज्य जो है वो क्या करता है, व्यक्ति को उसके अपूर्ण जीवन से पूर्ण आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाता है। ठीक है, अब अरस्तु ने राज्य के बारे में चर्चा करते समय कुछ राज्य की विशेषताएं बताई हैं, तो उसने कुछ कोटेशंस भी कही हैं, वो आपके एग्ज़ाम में पूछी भी जा सकती हैं, 2 नंबर में पूछी जा सकती हैं, या फिर ये हो सकता है कि उसी से ही रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए डिस्क्रिप्टिव में। तो यहाँ हम सबसे पहले जो विशेषताएं हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो अरस्तु ने कहा कि यदि कोई मनुष्य समाज में, समाज से अलग रहता है, तो या तो वो देवता होगा या निरा पशु होगा। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा कि राज्य के बिना मनुष्य का जीवन क्या है, अपूर्ण है। राज्य उसे पूर्ण आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। तो अरस्तु कहता है कि जो सही अर्थ में मनुष्य है, जो मानव है, वो वाकई में राज्य के बाहर नहीं रह सकता है। अगर वो अपनी गुड लाइफ चाहता है, सदजीवन चाहता है, तो उसकी प्राप्ति के लिए उसको राज्य के अंतर्गत मिलजुल के रहना होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि काम जो है उनका विभाजन हो गया, और इस वजह से क्या होता है कि व्यक्ति जो होते हैं आपस में एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर हो जाते हैं। आपस में एक दूसरे से सहयोग करेंगे, तालमेल करेंगे, तो इससे समाज चलेगा। और अगर बाई चांस कोई कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होता है, कोई मतभेद भी पैदा होता है, तो इसको दूर करना या इसकी रोकथाम करना कि भविष्य में ना हो सके, ये भी क्या बन जाती है, राज्य की ड्यूटी बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए अरस्तु ने कहा है कि कोई मनुष्य समाज से अगर अलग रहता है, तो या तो देवता होगा या निरा पशु होगा। आगे है कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है, द स्टेट इज प्रायर टू मैन। यहाँ पे आपको ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले कैसे आया। अभी तो हमने पढ़ा है कि भाई व्यक्ति है,
व्यक्ति स्त्री पुरुष और दास का संयोग होता है तो परिवार बनता है, परिवार से हमने बात की ग्राम बनता है, ग्राम से आगे जाकर के नगर अथवा राज्य बनता है। तो फिर ये बात कैसे हुई कि राज्य मनुष्य से पहले है? इस बात को यहाँ समझिए कि देखिए, अगर हमने जो अभी सोचा वो सब क्या है, हमने किस नज़रिए से देखा? इतिहास के नज़रिए से, ठीक है? इतिहास की दृष्टि से हम देख रहे हैं, तब तो हम क्या कहेंगे कि मनुष्य पहले आया है, फिर उसने परिवार बनाया, ग्राम नगर राज्य, इस तरीके से। यानी कि मनुष्य पहले आया है, मनुष्य का अस्तित्व राज्य से पहले है। लेकिन यहाँ हमें देखना है तर्कशास्त्र के नज़रिए से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। उस नज़रिए से देखने पे हमें पता चलता है कि राज्य का विचार मनुष्य से पहले आता है। किस प्रकार से? क्योंकि पूर्ण का जो विचार होता है, कंप्लीट का जो विचार होता है, वो अंश से पहले आता है या अंग से पहले आता है। इसको और भी सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको एग्जांपल दिया जाए कि हाथ, हैंड, तो जब भी मैं अगर ऐसा बोलूँगी तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, एक मनुष्य की और उससे जुड़े हुए उसके हाथ की। अगर मैं बोलूँ पैर, तो आपको एक मनुष्य की इमेज दिमाग में आएगी और उससे जुड़े हुए पैर की दिमाग में इमेज आएगी। ऐसा नहीं कि आप एक कटे हुए पैर की या कटे हुए हाथ का दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो अरस्तु का कहना है कि जब भी हम ऐसा सोचें हाथ के बारे में, पैर के बारे में, कान के बारे में, आँख के बारे में, नाक के बारे में, तो हमें शरीर का ध्यान पहले आता है कि हाँ, ये बॉडी पार्ट ये है, ऐसा होता है। तो इस वजह से वो कहता है कि क्योंकि हमें पहले क्या आया, शरीर का ध्यान आया, उसके बाद में हम उस अंग के बारे में सोच रहे हैं। तो इसी प्रकार से अरस्तु का कहना है कि पहले राज्य अस्तित्व में आया और राज्य का एक पार्ट है मनुष्य, वो बाद में आया। तो शरीर के अस्तित्व से पहले हाथ पैर का कोई अस्तित्व होता है? नहीं होता। अगर मान लो कोई हाथ है, पैर है, शरीर से कट गया है, तो क्या वो उसका कोई अस्तित्व रहेगा? नहीं, वो निरर्थक हो जाएगा। तो यानी कि राज्य से अगर पहले मनुष्य आ जाए तो उसका अस्तित्व निरर्थक है, या राज्य से अगर कट जाता है मनुष्य तो उसका अस्तित्व निरर्थक है। हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में क्यों पहचानते हैं? इसलिए पहचानते हैं क्योंकि वो राज्य में रहता है। तो इस वजह से एक तर्कशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो अरस्तु का कहना है कि राज्य जो है वो मनुष्य से पहले है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि राज्य जो है वो एक जैविक या सावयवी समुदाय है। तो जैसे हम पढ़ ही चुके हैं कि राज्य क्या है, एक शरीर के समान है और व्यक्ति उसके अंगों के समान है। फिर हम बात करते हैं कि राज्य क्या है, सर्वोच्च है। अब राज्य सर्वोच्च किस प्रकार से हुआ? देखिए, राज्य जो है समुदायों का समुदाय नहीं है, एक सर्वोच्च समुदाय है। यानी कि राज्य क्या हुआ, सर्वोच्च मतलब क्या हुआ, सबसे ऊपर। अब हमने पढ़ी अलग अलग प्रकार के समुदाय, अलग अलग प्रकार की संस्थाएं, परिवार भी है, ग्राम भी है। तो ये सब क्या है, व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकता की पूर्ति करता है। परिवार अलग आवश्यकता की पूर्ति करता है, ग्राम से अलग जो नीड्स है उनकी पूर्ति हो रही है। राज्य इन सबसे बड़ी संस्था है और ऐसी संस्था है जो व्यक्ति की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो राज्य सर्वोच्च है। इसी प्रकार से अरस्तु कहता है कि राज्य एक विशेषता के बारे में चर्चा करता है कि राज्य स्वाभाविक है, ठीक है? तो जिन संस्थाओं की अभी हमने चर्चा की वो क्या है, स्वाभाविक। तो इनसे जो संस्था निकलेगी या इनसे सर्वोच्च रूप में संस्था निकलेगी वो भी कैसी होगी, स्वाभाविक। तो इस वजह से वो कहता है राज्य नेचुरल है। तो ये थी राज्य की विशेषताओं के बारे में चर्चा। इसके बाद में अरस्तु ने राज्य के कुछ कार्य बताए हैं, जैसे कि जाहिर सी बात है, पहला जो जो आप मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये उसका कार्य हुआ। मानव जीवन को नैतिक, आध्यात्मिक, धर्मसंगत बनाना, नागरिकों को सच्चरित्र बनाना, सद्गुणी बनाना, न्याय की व्यवस्था स्थापित करना और बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करना, ये सब क्या हुए, राज्य के कार्य। तो आज हमने पढ़े हैं अरस्तु की रचनाओं के बारे में, उसकी अध्ययन पद्धति के बारे में और उसके राज्य संबंधी विचारों के बारे में बात।
बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।